हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्टूडेंट पर। तो जो है यूपी के सभी यूनिवर्सिटी, चाहे जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो हम लोग उस न्यूज़ को भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से, और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। आप देख सकते हो आज की ही यहाँ पर दिनांक लिखा हुआ है, 27 मई का ही आज का ये न्यूज़ पेपर है। और इसमें आप देख सकते हो ये मेरठ में जो है ये न्यूज़ छप कर आई है। हालांकि ये मेरठ के लिए न्यूज़ नहीं है, ये पूरे यूपी के लिए न्यूज़ है। आप इस न्यूज़ को पूरा पढ़िएगा, हर एक चीज़ आप देखिएगा इसको। सबसे पहले मैं सारे व्यूअर्स से आप मैं बता दूँ कि अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लिया करो। इतने लोग व्यूज मतलब देखने आते हो और आप लोग इतना प्यार देते हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करोगे तो मुझे भी मजा आएगा, मैं भी आपके लिए न्यूज लेकर आऊंगा, ढूंढूंगा। लेकर आना पड़ता है, मेहनत लगती है इसमें। तो आप प्लीज सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए, आज सभी लोग सब्सक्राइब कर दिए जितने लोग अभी तक नहीं किए हो। अगर पसंद आती है न्यूज तो कर दीजिए, अगर नहीं पसंद आती है तो फिर आपकी मर्जी, करिए ना करिए वो अलग की बात है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। ये हमारी न्यूज है, मैंने इसको अलग से ले लिया है। यही हमारी न्यूज थी जो हमने अभी भी देखा है कि अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा बाकी को करना पड़ेगा प्रोन्नत। यानी ये लिखा है कि अंतिम वर्ष के छात्रों, देखो सभी लोगों के लिए न्यूज है, चाहे वो बीएड के बच्चे हो चाहे डीएलएड के बच्चे हो, सभी लोग न्यूज को देखिए, सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। इसमें लिखा गया कि सीसीएसई हो या फिर दूसरे विश्वविद्यालय, सभी में फाइनल ईयर को छोड़कर बाकी कक्षाओं की परीक्षाओं को लेकर अब समय नहीं बचा है। और ये बात बिल्कुल 100% सही है कि अब जो है किसी भी परीक्षा के लिए कोई समय नहीं बचा है। रीजन उसका सिर्फ ये है कि मई जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अभी परीक्षा के बारे में दूर दूर तक कुछ भी लेना देना या अंदेशा भी नहीं लग रहा है। यानी कि अगर ये जून के स्टार्टिंग में ही अगर ये अपनी सारी चीजें घोषित करते हैं कि हाँ मुझे पेपर कराना है, तो पेपर इनका होगा जुलाई में, और अगर जुलाई में पेपर होगा तो रिजल्ट आने में पूरे 2 महीने लगेंगे। यानी फिर रिजल्ट आएगा सितंबर और अक्टूबर में, और तब तक पूरा सत्र जो है उसका बैंड बज चुका होगा, आप सभी लोगों को पता है। तो यहां पर सारी चीजें लिखी गई हैं, लिखते हैं, देखते हैं हम लोग। अगर संक्रमण कम होने पर 20 जून से भी परीक्षा कराई जाए तो भी 20 अगस्त तक परीक्षाएं चलेंगी। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई बच्चे 5 जो है पेपर लिए हैं, लेकिन पेपर तो चलेगा ना 1 महीना कम से कम। तो अगर 20 जून से भी पेपर चल रहा है तो 20 अगस्त तक परीक्षाएं चलेंगी, फिर 1 महीने तक मूल्यांकन के बाद अक्टूबर में रिजल्ट जारी हो पाएगा। ऐसे में सभी दाखिला प्रक्रिया रुक जाएगी। बिल्कुल सही बात है, ऐसे में अब फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराकर ही समय से नए सत्र के एडमिशन हो जाएं तो भी गनीमत होगी। कैंपस कॉलेजों में परीक्षाओं को लेकर यूजीसी को जून के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देनी है। प्रदेश सरकार कुलपति की 3 सदस्यीय समिति ने रिपोर्ट ले चुकी है। विश्वविद्यालय भी अपना पूरा डाटा अलग अलग कर चुका है। फाइनल ईयर को छोड़कर कौन कौन सी कक्षा में कितने छात्राएं हैं इसका पूरा डाटा तैयार हो चुका है। 375,000 छात्र छात्राएं वार्षिक प्रणाली में है और 1.25 लाख के करीब, हालांकि ये तो अब अपने कॉलेज के बारे में इन्होंने बताने लगे हैं। फिर यहां पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी लिखी हुई है न्यूज। लिखा है नए सत्र के जो एडमिशन होंगे उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी, इसमें वार्षिक की जगह बीए बीकॉम बीएससी में सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी। ऐसे में परीक्षाओं के चलते अगला पूरा सत्र भी लेट होगा, पहले से पूरा सत्र लेट है। ये बात बिल्कुल सही यहां से निकल कर है, जिसने भी इस न्यूज को छापा है बिल्कुल समझ लीजिए दिमाग लगाकर छापा है, और जहां से भी उसको ये न्यूज मिली है सूत्रों के मुताबिक बहुत अच्छी न्यूज आज की उन्होंने छापा, क्योंकि ये न्यूज मैंने पढ़ा है उसके बाद ही मैं लेकर आया हूं। डेली कुछ ना कुछ प्रमोट को लेकर न्यूज आती है, लेकिन आज इस न्यूज को मुझे पढ़ा है उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे व्यूअर्स तक ये न्यूज जरूर पहुंचनी चाहिए। इसमें उसने हर एक बात कही है, क्योंकि इस सत्र से नई न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है वो भी लागू करनी है, और अगर पेपर जो है वो लेट हो रहा है फिर नए क्लासेस में दाखिला लेट होगा, फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी प्रभावित होगी। ऐसे में सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि फाइनल ईयर का पेपर ले लिया जाए, बाकी सारे लोगों को प्रमोट कर दिया जाए। ऐसे में वो छात्र चाहे डीएलएड वाले छात्र चाहे बीएड वाले छात्र हों, अगर मैं आपको बताऊं जो डीएलएड वाले छात्र हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज जो है आप लोगों का यहाँ पर ट्विटर कंपेन चल रहा है, आप लोग उस ट्विटर कंपेन में ज्यादा से ज्यादा भाग लीजिए, अपने को ट्रेंड कराइए ताकि आप भी प्रमोट हो सके। बीएड वाले बच्चों को जैसे कि मैं बताऊं तो बीएड वाले भी बच्चे अभी थोड़ा सा वेट कर लें, मुझे लग रहा है कि 10 से 15 दिनों के अंदर आप लोगों की भी कुछ ना कुछ सिचुएशन क्लियर होंगी। जिस हिसाब से प्रकोप चल रहा है, इधर कोरोना खत्म हो उधर से ब्लैक फंगस आ रहा है, ऐसे में जो भी प्रकोप है सरकार डरी हुई है, और कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि मैं रिस्क लूं। ऐसे में अगर आप लोगों का पेपर लेट, क्योंकि कोई पेपर 2-3 दिन में तो खत्म नहीं होता, महीने महीने पर सारे पेपर चलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो पेपर होता है वो यूजी पीजी का ही पेपर होगा, उसके बाद में बीएड के बारे में सोचेंगे। अगर बाद में वो बीएड के बारे में सोचते हैं तो जाहिर सी बात है तब तक बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, और इतना लेट अगर हो जाएगा तो जो आगे एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे हैं क्या 2-2 फर्स्ट ईयर थोड़ी ना साथ में चलेंगे। तो ऐसे में सरकार सोचेगी, हर एक बात सोचेगी, और वो सोच भी रही होगी, लेकिन ऑफिशियल न्यूज ना होने की वजह से मैं आपको कभी ये गुमराह करने की कोशिश नहीं करता हूं कि तुम पढ़ाई ना करो। आप सभी लोग पढ़ाई करो, क्योंकि आप लोग चाहे बीएड के बच्चे हो डीएलएड के बच्चे,
बच्चों, कोई बच्चों हमारे दिल से जुड़े हुए हो, ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बना है और आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, ये हमारी ये समझ लीजिए पूरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, पढ़ाई करिए। हाँ, ऑफिशियल न्यूज चांसेस बनते हैं, आपको भी पता है चांसेस बन रहे हैं, हमें भी पता है, लेकिन पढ़ाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई का लय आप बरकरार रखिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी बीएड और डीएलएड के लिए मैं एक खास वीडियो शाम तक लेकर आऊंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए और वो वीडियो उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा और नोटिफिकेशन बेल दबाया होगा, नहीं तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी और मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस वीडियो में वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है, कल ही मिलते हैं क्योंकि इतना न्यूज था, तो बीएड डीएलएड कोई ना घबराओ, सभी के लिए सरकार कुछ अच्छा ही सोचेगी और चांसेस हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता अभी प्रमोट के बारे में क्योंकि ऑफिशियल न्यूज नहीं है। बाकी मिलते हैं अगली अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत धड़ाकेदार होने वाली है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।